हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ स्मिता क्लासेस। टुडे वी विल बी स्टडीइंग द एनरिचिंग इंग्लिश रीडर बुक ऑफ स्टैंडर्ड 2 एंड द चैप्टर नंबर इज 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पिनोकियो। पिनोकियो इज अ वेरी फेमस स्टोरी एंड वी हैव रेड इट सिंस वी वर स्मॉल चिल्ड्रन। फ्रॉम दैट टाइम वी आर रीडिंग इट एंड वी एंजॉय इट अलॉट। टुडे यू विल एंजॉय ऑल्सो अलॉट। ओके, इट्स द नेम ऑफ द ऑथर इज कार्लो कोलोडी। Have you ever seen a puppet show? Tell your class about it. This story is an extract from the children's novel The Adventures of Pinocchio, written by an Italian writer, Carlo Collodi. Read on to find out more about Pinocchio, a wooden puppet who learns many life lessons through his adventures. आपने कभी puppet show देखा है? कठपुतली का show देखा है? बहुत सारे states में, स्पेशली राजस्थान में आप जाएंगे तो वहां पे हॉल्स बने हुए हैं जहां पे कठपुतली का शो दिखाया जाता है। कठपुतली क्या होता है? काट के डॉल्स, मतलब लकड़ी के डॉल्स बनाए रहते हैं, उसके ऊपर वो लोग ड्रेस पहना देते हैं और उस डॉल्स को ऊपर से सस्पेंड करते हैं थ्रेड्स की मदद से, हाँ, धागों से उनको ऊपर से लटकाते हैं और उनको खुद अपने हाथ के थ्रू उनको मूव कराते हैं धागों के थ्रू और एक स्टोरी को दिखाते हैं। और ये पपेट शो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे बहुत ही इंजॉय करते हैं। ये स्टोरी जो है ये एक स्टोरी बुक है, द एडवेंचर्स ऑफ पिनोकियो, उसी का एक पार्ट है। ये पिनोकियो की स्टोरी उसका एक पार्ट है, उसको इटाली के राइटर ने लिखा था। उस राइटर का नाम है कार्लो कोलोडी, कोलोडो, और उस बुक का नाम क्या था? द एडवेंचर्स ऑफ पिनोकियो, और ये राइटर थे कार्लो कोलोडी। ठीक है, तो इसमें क्या है, पिनोकियो एक वुडन पपेट है, एक लकड़ी का पपेट है जो कि उसके एडवेंचर्स के बारे में दिखाया है कि वो क्या क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, और उसमें वो लाइफ का लेसन्स वो सीख रहा है, जीवन के पाठ सीख रहा है। और जैसे जैसे वो एडवेंचर्स में आगे आगे बढ़ रहा है, उसके लाइफ में आगे बढ़ रहा है, वो बहुत सारे लेसन सबक सीख रहा है। हम लोग रीड करेंगे। देयर वॉज वंस एन ओल्ड टॉय मेकर नेम्ड गेपेटो। ही हैड नो वाइफ और चिल्ड्रन। ही वॉज सैड एंड लोनली। वन डे ही मेड अ पपेट आउट ऑफ वुड। पपेट लुक just like a real boy. Geppetto named the puppet Pinocchio. As soon as the puppet was complete, it jumped up and pulled Geppetto's hair. Then it stuck its tongue out at him. It was a very naughty puppet. Hello, father, said the puppet, waving at Geppetto. The old man couldn't believe his eyes, but he was very happy. He now had a boy of his own. I must send you to school. You will learn how to be a good boy, Geppetto told Pinocchio. The poor toy maker sold his only coat to buy Pinocchio a reading book. Pinocchio set out for school. It was his first day. On the way, he saw a circus tent. He was very excited. There is a puppet show inside. I want to meet more puppets like me, he exclaimed. But he had no money. How would he buy a ticket for the show? He sold his book for a few pennies and bought a ticket for the circus show. बहुत ही ओल्ड टॉय मेकर था, एक पुराना खिलौने बनाने का एक आदमी था जो कि बहुत दिनों से खिलौने बना रहा था। उसका नाम क्या था? ओल्ड टॉय मेकर था गेपेटो, मतलब बूढ़ा एक आदमी था जो कि बहुत दिनों से खिलौने बनाता था, खिलौने बनाने वाला था। उसका नाम गेपेटो था। उसकी कोई वाइफ नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे। वो बहुत ही उदास रहता था और अकेला रहता था, सैड एंड लोनली था, अकेला फील करता था। एक दिन उसने लकड़ी से एक पपेट बनाया। ठीक है, पपेट बिल्कुल एक रियल बॉय के जैसा दिखता था, एकदम असली लड़के के जैसा दिखता था। ऐसा पपेट उसने बनाया और उसका नाम उसने रख दिया पिनोकियो। जैसे ही पपेट को बना के उसने कंप्लीट किया, वो पपेट जंप किया, हाँ, मतलब उसमें लाइफ आ गया। वो जंप किया और गेपेटो के बाल को, हेयर को खींचने लगा। ठीक है, फिर अपनी जीभ निकाल के उसे दिखाने लगा। बच्चे कहते हैं ना, जीभ निकाल के चिढ़ाते हैं ना, तो वो भी अपनी टंग निकाल के उसे दिखाने लगा। इट वॉज अ वेरी नॉटी पपेट, और बहुत ही शैतान था, शैतान पपेट था, बहुत ही मतलब चंचल पपेट था। हेलो फादर, सेड द पपेट, वेविंग एट गेपेटो। वो अपने जो टॉय मेकर था गेपेटो, उसके तरफ हाथ हिला के बोल रहा है, हेलो फादर। ओल्ड मैन, ये बूढ़ा आदमी विश्वास नहीं कर रहा था अपनी आंखों पे। उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो लकड़ी का पपेट बनाया वो उसमें लाइफ कैसे आ गया। पर वो बहुत खुश था, अब उसका अपना एक बेटा था। ठीक है, वो बोला, तुमको तो मैं जरूर स्कूल भेजूंगा, तब तुम सीख पाओगे स्कूल जाके कि अच्छा लड़का कैसे बनते हैं, गेपेटो ने पिनोकियो को कहा। और उस
बेचारे गरीब खिलौने बनाने वाले गेपेटो ने, उनके उसके पास एक ही कोट था, उस कोट को उसने बेच दिया और कुछ पैसे लाए। उस पैसे से उसने पिनोकियो के लिए एक बुक खरीदा, एक रीडिंग बुक, ताकि वह बुक लेके स्कूल जाए। पिनोकियो स्कूल के लिए चल पड़ा। वह उसका पहला दिन था। रास्ते में उसने देखा एक सर्कस का टेंट लगा हुआ था, उस टेंट के भीतर सर्कस चल रहा था। वह बहुत ही खुश हो गया देखकर। वो बाहर वो जान पाया कि अंदर एक पपट शो चल रहा है, ठीक है, कठपुतलियों का शो चल रहा है। तो वह चाहे वो अपने आप से बोला कि मुझे मेरे जैसे और पपट्स को देखना है, मुझे मेरे जैसे और पपट्स को देखना है। अपने आप को जोर से वो बोला, खुशी से बोला। पर उसके पास कुछ पैसे भी नहीं थे। और हम लोग जानते हैं ना, सर्कस में जाने के लिए हम लोग को एक टिकट लेना पड़ता है ना, टिकट के लिए उसके पास पैसे नहीं थे उस शो को देखने के लिए। तो उसने क्या किया, अपने बुक को बेच दिया। हाँ, कुछ पेनीस के लिए, मतलब कुछ बहुत ही कम पैसों के लिए उसने अपने बुक को बेच दिया। कुछ कॉइन्स के लिए उसने अपने बुक को बेच दिया। पेनीस कहाँ यूज होता है, ये जो पेनी है वो फॉरेन कंट्रीज में यूज होता है, छोटे छोटे स्मॉल कॉइन्स को, 1 रुपीज 2 रुपीज ऐसे कॉइन्स सबको बोलते हैं। उसने कुछ पेनीस के लिए बेच दिया और एक टिकट खरीद लिया सर्कस शो के लिए। फिर क्या हुआ आगे, पिनोक्यो वॉज वेरी हैप्पी टू सी ऑल द पपेट्स। ही रैन ऑन टू द स्टेज एंड बिगैन टू सिंग एंड डांस विद देम, बट ही गॉट टैंगल्ड इन द स्ट्रिंग्स ऑफ द पपेट एंड दे ऑल फेल डाउन। सडनली द पपेट मास्टर जम्प्ड ऑन टू द स्टेज एंड ग्रैब्ड पिनोक्यो। हाउ डेयर यू स्पॉइल माई शो, आई विल थ्रो यू इन टू द फायर, ही शाउटेड। आई एम सो सॉरी सर, प्लीज डोंट हर्ट मी, पिनोक्यो क्राइड। ही टोल्ड द मैन ऑल अबाउट पुअर गेपेटो। द पपेट मास्टर फेल्ट सॉरी फॉर हिम। ही वाइप्ड अवे अ टीयर एंड सेड, टेक दिस 5 गोल्ड कॉइन्स, बाय अ न्यू कोट फॉर योर फादर। ऑन हिज वे होम ए फॉक्स एंड अ कैट ट्रिक्ड पिनोक्यो एंड स्टोल द गोल्ड कॉइन्स। पिनोक्यो सैट अंडर अ ट्री एंड क्राइड एंड क्राइड। सडनली अ ब्लू फेयरी अपीयर्ड। व्हाट इज द मैटर, पिनोक्यो, सी आस्क्ड। आई गेव माई गोल्ड कॉइन्स टू सम चिल्ड्रेन, ही सेड। इमीडिएटली पिनोक्योज नोज बिगैन टू ग्रो, इट ग्रो एंड ग्रो बिकम एंड बिकेम एज लॉन्ग एज अ कैरट। क्या हुआ, पिनोक्यो बहुत खुश था सारे पपेट्स को देख के। वह क्या किया, स्टेज में जहाँ पे कि थ्रेड की मदद से जो पपेट मास्टर अपने पपेट्स को चला रहा था और शो दिखा रहा था, वह उस स्टेज पे दौड़ के पहुंच गया। हाँ, और वो पपेट्स के साथ वो गाना गाने लगा और डांस करने लगा। पर इसी बीच क्या हुआ कि उन जो पपेट्स को जिस स्ट्रिंग से, जिन रस्सियों से या धागों से पपेट मास्टर ने लटका के रखा हुआ था, उस स्ट्रिंग्स में पिनोक्यो टैंगल्ड हो गया, मतलब उसमें उलझ कर वह रह गया, निकल नहीं पाया और सारे पपेट्स गिर पड़े नीचे। ठीक है, तो पपेट मास्टर स्टेज पे आ गया और वो बहुत गुस्से में था। उसने पिनोक्यो को ग्रैब कर लिया, पिनोक्यो को पकड़ लिया, बोला हाउ डेयर यू स्पॉइल माई शो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शो को बिगाड़ने की, मैं तुमको आग में फेंक दूंगा। पिनोक्यो ने बोला मैं बहुत माफी मांगता हूँ सर, प्लीज मुझे आग में मत फेंकिए, मुझे चोट मत पहुंचाइए। और फिर उसने पपेट मास्टर को गरीब गेपेटो के बारे में सब कुछ बताया। गेपेटो के बारे में सब सुन के पपेट मास्टर को बहुत ही दुख हुआ, उसके आंसू बहने लगे। उसने अपने आंसू पोंछे और उसको 5 सोने के कॉइन दिए पिनोक्यो को, बोले कि ये 5 सोने के कॉइन तुम ले जाओ और अपने फादर के लिए नया कोट खरीद देना। वापस घर जाते समय पिनोक्यो को एक फॉक्स मिला, एक सियार मिला और उसने और एक कैट भी मिला। उन दोनों ने पिनोक्यो को ट्रिक कर लिया, मतलब पिनोक्यो को बुद्धू बना दिया, चालाकी से पिनोक्यो को बुद्धू बना दिया। और उसके जितने भी 5 गोल्ड कॉइन थे, और 5 गोल्ड कॉइन को उन लोगों ने चोरी कर लिया, फॉक्स और कैट ने। पिनोक्यो एक पेड़ के नीचे बैठ के बहुत रोने लगा। तभी कहीं से एक ब्लू फेरी आई, मतलब एक फेरी आई जो उसने पूरे ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ था, उसके पंख भी ब्लू थे, एक परी आई। हाँ, तो वो ब्लू फेरी बोली क्या बात है पिनोक्यो, तुम क्यों रो रहे हो। तो पिनोक्यो ने उसको झूठ कह दिया, क्या कहा, आई गेव माई गोल्ड कॉइन्स टू सम चिल्ड्रेन। उसने बोला मेरे पास जो गोल्ड कॉइन थे उससे मैंने कुछ बच्चों को दे दिए। फेरी तो जानती थी पिनोक्यो झूठ बोल रहा है, और जैसे ही पिनोक्यो ने बोला, तुरंत ही इमीडिएटली पिनोक्यो की नाक बढ़ने लगी। हाँ, नोज बिगैन टू ग्रो, उसकी नाक लंबी होने लगी, लंबी होती गई, लंबी होती गई। कितनी लंबी हो गई, एक कैरोट के जितने, एक गाजर के जितने उसकी नाक लंबी हो गई। द ब्लू फेरी लाफ्ड एंड सेड, माई डियर, योर नोज ग्रोज लॉन्ग वेन यू लाई, इफ यू वॉन्ट टू बी अ गुड बॉय यू मस्ट लर्न नॉट टू टेल लाइज। पिनोक्यो वॉज अशेम्ड, आई एम सॉरी, आई वॉन्ट लाई अगेन, प्लीज फॉर गिव मी, ही सेड। ही टोल्ड द फेरी एवरीथिंग। देन द फेरी क्लैप्ड हर हैंड्स
and a woodpecker appeared. It pecked at Pinocchio's nose until it was small again. Thank you so much, dear fairy, Pinocchio said happily. तो जब पिनोकियो की नाक पूरी एक गाजर की जितनी लंबी हो गई तो ब्लू फेरी हंसने लगी. वह जान गई यह झूठ बोल रहा है. उसने कहा, मेरे प्यारे, तुम्हारी नाक बहुत ही लंबी हो जाती है जैसे ही तुम झूठ बोलते हो. अगर तुम एक अच्छे बच्चे बनना चाहते हो, अच्छे लड़के बनना चाहते हो, तो तुमको सीखना पड़ेगा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए. पिनोकियो बस अशेम्ड, पिनोकियो बहुत ही शर्मिंदा हुआ. उसे बहुत ही उसको बहुत सॉरी फील हुआ कि उसने गलत काम किया है. उसने कहा, मैं माफी मांगता हूँ, मैं आगे से कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, फेरी को बोला. और उसने फेरी को सारी बातें बता दी कि क्या क्या हुआ. फेरी ने अपने हैंड्स क्लैप किए, हाँ, ताली बजाई और एक वुडपेकर आ गया. वुडपेकर क्या होता है, एक चिड़िया होती है, कठफोड़वा उसका नाम होता है. वो चिड़िया करती है क्या, लकड़ी के ऊपर अपने चोंच से इतने जोर जोर से मारती है कि वो लकड़ी में होल करती है और लकड़ियों में से कीड़े निकाल निकाल के खाती है. ठीक है, वुडपेकर अचानक से आ गया और वुडपेकर कहाँ बैठ गया, पिनोकियो की लंबी नाक के ऊपर बैठ गया. क्यों? क्योंकि पिनोकियो तो पूरी लकड़ी का बना हुआ था और वह उसकी नाक पर क्या करने लगा, अपनी चोंच से चोट करने लगा, उसको काटने लगा अपनी चोंच से, उस वुडन नाक को धीरे 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 पैक करने लगा. इट पैक्ड एट पिनोकियोस नोज, उसकी नोज को अपनी चोंच से थोड़ा 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 काटने लगा और तब तक काटता रहा जब तक कि वह पूरी फिर से स्मॉल नहीं हो गई जैसे उसका ओरिजिनल नोज था. तब पिनोकियो ने बहुत खुशी से बोला, थैंक यू डियर फेरी, प्यारी फेरी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी नाक फिर से ठीक कर दी. ही वेंट बैक होम टू गेपेटो एंड ट्राइड वेरी हार्ड टू बी अ गुड बॉय. देन एज ही स्लेप्ट वन नाइट द ब्लू फेरी केम एंड ग्रांटेड हिम हिज सीक्रेट विश. पिनोकियो बिकेम अ रियल बॉय. ही नेवर लेफ्ट गेपेटो अगेन एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. ठीक है, वह वापस गेपेटो के पास पिनोकियो चला गया. बहुत कोशिश की उसने कि वह अच्छा लड़का बनकर रहे. और फिर एक दिन क्या हुआ कि वह एक रात सो रहा था तो ब्लू फेरी आ गई फिर से उसके पास और बोली कि तुम्हारा कोई सीक्रेट विश है, चुपके से तुम्हारी कोई इच्छा है तो उसे मांग लो, मैं उसको पूरा कर दूंगा, जो इच्छा तुमने किसी को नहीं बताई है. और उसकी उसकी क्या इच्छा थी कि वह एक रियल बॉय बन जाए, वह और एक पपेट बन के नहीं रहे. तो फेरी ने उसे वह विश पूरी कर दी और पिनोकियो क्या बन गया, एक रियल बॉय बन गया. फिर उसने गपेटो को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा गपेटो के साथ रहा और लोग उसके बाद खुशी खुशी रहने लगे. बहुत अच्छी स्टोरी थी ना, आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी. इसे बार बार पढ़िए, मजे लीजिए, फ्रेंड्स को भी सुनाइए, फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिन्होंने बेल बटन नहीं दबाया है तुरंत दबा दीजिए. जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा, सॉल्यूशंस आएंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा. ओके, थैंक यू.